तो डैम के ऊपर से मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये नीचे डैम है, तो गाइस काफ़ी सुंदर और खतरनाक लग रहा है ऐसे डैम पर चढ़ के। देख लीजिए दोस्तों, ये डैम है जो कि गांव पड़ता है, और ये डैम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पूरे एरिया में फैला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कच्छ शहर का डैम, जिसे रुद्र माता डैम के नाम से जाना जाता है, जो कि कच्छ शहर की काफ़ी खूबसूरत जगह में से एक है, जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं ये टूटे फूटे रास्ते से जा रहा हूँ डैम की तरफ, और हमारे साथ दो दोस्त भी हैं जो कि मेरे पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो अभी हम डैम की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको डैम कैसा है, यहाँ का नज़ारा। और दोस्तों आप जो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसी के पीछे डैम है जो कि बना हुआ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और सामने दोस्तों बताना चाहूँगा, इस डैम का नाम है रुद्र माता डैम। तो इसका नाम कुछ ऐसे है दोस्तों, बता दूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर एक रुद्र माता का मंदिर है जो कि कच्छभुज शहर में स्थित है, यहीं पर ही ये डैम बना हुआ है। तो इसी वजह से इसका नाम रुद्र माता डैम के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं इस रास्ते से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी हम लगान फिल्म की शूटिंग की लोकेशन पर से आ रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पर एक डैम पड़ा था उसका एक वीडियो मैंने बनाया है। और दोस्तों लगान फिल्म की जो शूटिंग की वीडियो है उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आप थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यह रुद्र माता मंदिर के जाने का रास्ता है, और ये राइट साइड में जो रास्ता देख रहे हैं आप दोस्तों, ये डैम के ऊपर जाने का रास्ता है। अभी हम ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको डैम, जिसे रुद्र माता नाम के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ की। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं डैम की तरफ और दिखाते हैं आपको डैम। दोस्तों सामने है डैम की तरफ जाने का रास्ता, और दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, और झाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, रोड काफ़ी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ टाइप की बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। और दोस्तों ये सामने का रूट देख रहे हैं, यहीं पर ही डैम है। अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पर, और देखेंगे दोस्तों यहाँ का कैसा नज़ारा है। तो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं डैम के ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है जंगल यहाँ का जो कि डैम के इस पार बना हुआ है, और मेरे पीछे की तरफ है डैम जो कि है गांव में पड़ता है। पीछे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। अभी मैं आपको यहाँ से बैक कैमरे से जो भी सीन यहाँ का दिखा देता हूँ, कैसे शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरा ऑन करते हैं और आपको यहाँ का सीन दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और दोस्तों ऐसा बताया गया कि यहाँ पर लगान और होंजोदारा फिल्म की शूटिंग हुई थी, देखते हैं उसका सीन भी मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब डैम की तरफ चलते हैं, नीचे का रास्ता ये चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों सामने है डैम का टापू, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जो कि हमारे जो दोस्त हैं वो खड़े हुए हैं। और जो डैम का सीन कुछ ऐसा है, इसमें पानी काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है, ग्रीन तरीके से नीला वगैरह नज़र आ रहा है, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है देख सकते हैं पानी की यहाँ पर। तो डैम के ऊपर से मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये नीचे डैम है, तो गाइस काफ़ी सुंदर और खतरनाक लग रहा है ऐसे डैम पर चढ़ के। देख लीजिए दोस्तों, ये डैम है जो कि गाँव पड़ता है, और ये डैम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पूरे एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों ये डैम के साइड के नज़ारे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और ये सामने डैम के नज़ारे तो काफ़ी शांत है, यहाँ की पानी है, उसके बाद आ रही है नीचे की तरफ से। और देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए पहाड़ी वगैरह नज़र आ रही है सामने डैम के, जो नज़दीक वगैरह बनी हुई बगल में। और अभी मैं टापू पर खड़ा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टापू है यहाँ का, ये डैम के टापू पर खड़ा हुआ है, जहाँ से देख सकते हैं इसका लॉक लगा हुआ है। अगर ये खुला होता तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता, यहाँ से काफ़ी तेज़ पानी का भाव आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये डैम है सामने नज़र आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं उधर की तरफ, काफ़ी बड़ा डैम है दोस्तों, ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, जिसका पानी नीला नीला नज़र आ रहा है आप देखेंगे तो। और ये अभी ताला इसका लगा हुआ है, अगर खुला होता तो शायद मैं आपको उसके अंदर जाके नज़ारा दिखाता। फाइनली दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये डैम का जो पानी वगैरह रोकते हैं वो जगह है, और यहाँ पर एक घर या ऑफिस बना हुआ है शायद, नीचे डैम में काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा है। और ये वाला रास्ता है दोस्तों, यहाँ पर मैं डैम के अंदर की तरफ एंटर किया था, और ये डैम साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ही इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, स्क्रीनशॉट में लगा दूँगा, चेकआउट कर लेना बाकी।
दोस्तों पहले मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर लगान और मोहनजोदड़ो फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो यहाँ पर मैंने पूरी फिल्म देख ली लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं मिला यहाँ पर शूट हुआ है। तो बाकी दोस्तों ये थे नज़ारे रुद्र माता डैम के जो कि गुजरात के कच्छ शहर में स्थित है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत डैम है, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।